हेलो बिगिनर एनिमेटर्स, सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और उस प्रोजेक्ट में अपने कार्टून को लिपसिंक करने के लिए आप साउंड इंपोर्ट करते हैं, लेकिन साउंड इंपोर्ट करने के बाद एक इशू ये आता है कि फर्स्ट टाइम उस साउंड को प्ले करने पर साउंड सुनाई देता है, लेकिन अगर आप किसी पोजिशन पर जब आप अपना साउंड स्टॉप करते हैं और देन उसको वहां से प्ले करने की कोशिश करते हैं तो आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा होता। ये मसला उस वक्त आता है जब आपने इस साउंड को एडोबी एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर सिंक नहीं किया होता और स्ट्रीम नहीं किया होता। इस मसले से बचने के लिए करना क्या है, आपको उस लेयर को जहां पे आपका साउंड इंपोर्टेड है आपने उसको अनलॉक करना है, उस पे क्लिक करना है, देन जाना है आपने प्रॉपर्टीज के फ्रेम पैनल में और यहां पे आपको मिलेगा साउंड पैनल। सो साउंड पैनल में आपको सिंक के सामने जस्ट इवेंट से इसको रिप्लेस कर देना है स्ट्रीम पर। टेंटन, ये आपका मसला हल हो गया। जब भी आप इसको प्ले करेंगे आपकी वीडियो जहां पे जाके स्टॉप होगी वहीं से आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने साउंड को अगेन रन कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लें।